And hit the icon, कराने वाली हूं आज, जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर आप लोगों का बहुत डिमांड आया था की ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए तो आप लोगों की डिमांड पर यह वीडियो आ चुका है तो फीचर्स को बताने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी ताकि आपको इंट्रोडक्शन जब क्लियर हो जाएगा तो फीचर्स भी आसानी से समझ में आ जाएगा एंड इस वीडियो में और मैं आपको क्या बताऊंगी लास्ट में समरी बता दूंगी समअप कर दूंगी जो भी मैं पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छे से आपके माइंड में जो है मेमोराइज हो जाए आप इस वीडियो के जरिए ही बहुत सारे पॉइंट को लर्न कर लें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अगर अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये किस तरीके से चल रहा है क्या कुछ भी लिखा नहीं हुआ है अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो शायद वहाँ के लोग मनमानी करते होंगे जो मन चाहता होगा वो करते होंगे कैसे रहते होंगे आप सोचे हैं अगर ये अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्यों उसका आंसर में रीज़न भी देंगे और ये आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में वीडियो को भी पॉज करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है रियली really, रियल real में ये अनिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्यों है और यहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है ब्रिटिश जो है पूरा किस तरीके से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टिका हुआ है बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक समथिंग अबाउट मी माई नेम इज़ कुलसुम अरसद एंड आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स

इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बोली थी इसका आंसर देने का तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये कहीं भी नहीं पाया जाता है यहाँ पर है मेघना काटा अगर आप देखेंगे राइट की बात की जाती है कि कौन सा ऐसा राइट है जो सबसे पहले आया है तो मेघना काटा राइट आता है और ये मेघना काटा राइट है क्या अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है ये आपको क्लियर हो जाएगा इस मेघना काटा से मेघना काटा क्या है मेघना काटा एक रॉयल चार्टर राइट है ओके ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टीन में ये इसको लाया गया था मेघना काटा आया था ये राइट्स के बारे में बताता है लीगल राइट्स के बारे में बताता है ये कहाँ आया था ब्रिटेन में आया था तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन में कि ये नॉट डॉक्यूमेंटेड अनलाइक द अदर कॉन्स्टिट्यूशन इसको डॉक्यूमेंट करके नहीं रखा गया दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखेंगे तो पूरा का पूरा बुक फॉर्मेट में है ओके okay, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि साढ़े चार सौ से भी ज़्यादा आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग साढ़े चार सौ जो आर्टिकल हैं तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉल्स का वर्ल्ड्स में जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी वर्ल्ड माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो क्या क्या गया रिटर्न फॉर्म में पूरा का पूरा बुक में एक जगह करके लिखा हुआ है लेकिन ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है यही यहाँ पे बोल रहा है कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग क्या मान लेते हैं कि ये शायद कुछ भी लिखा नहीं हुआ है ऐसा नहीं है बहुत सारा वहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो लिखा हुआ है लेकिन इकट्ठा नहीं है एक जगह नहीं किया गया है मेघना काटा जो है वो रिटर्न फॉर्म में ही है यहाँ देख, देख, देख सकते हैं मेघना काटा का यहाँ पर देख सकते हैं मेघना काटा में ये जो है रिटर्न फॉर्म में है तो रिटर्न फॉर्म में ये जो राइट है तो राइट है रिटर्न फॉर्म में वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है लेकिन एक जगह जो बोलेंगे कि बुक एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर है वैसे नहीं बना हुआ है बुक नहीं बना हुआ है तो कुछ कुछ चीज़ क्या हो रहा है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि हाँ अगर ये कोई जुल्म किया है इसका पनिशमेंट यही मिलेगा शुरू से चलता हुआ रहा है तो उस चीज़ को भी फॉलो किया जा रहा है वैसे भी और कुछ कुछ जो है आपका क्या लिखा हुआ है और लिखा हुआ तो है लेकिन वो एक जगह नहीं है इसलिए इसको हम लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हर चीज़ जो है रिटर्न फॉर्म में नहीं है अगर कुछ रिटर्न फॉर्म में है भी तो एक जगह नहीं रखा गया जैसे मेघना काटा एक हो गया राइट्स के ऊपर दिया गया है तो यहाँ पर क्या ये ऐसा नहीं कि सारा का सारा जितना भी राइट्स है रिटर्न फॉर्म में जो भी है उसको एक बुक बना दिया गया हो ऐसा नहीं किया गया है आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको हम कहेंगे ऐसा नहीं कि हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी रिटर्न चीज में रिटर्न फॉर्म में जो भी चीज़ है वो इकट्ठा एक, एक जगह नहीं है तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे अनरिटर्न फॉर्म बोलेंगे एक रीज़न और दूसरा ये भी रीज़न है कि सारा का सारा जो राइट्स वगैरह है उसको हम लोग रिटर्न फॉर्म में नहीं रखे हुए कुछ कुछ चीज़ जो है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है कस्टम्स एंड कन्वेंसन जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है उसी चीज को हम लोग फॉलो करते हैं तो इसलिए यहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को इसका आंसर होगा यस नो नहीं होगा यस होगा ओके अब देखिए हम लोग कौन कौन सा फीचर्स जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो कौन कौन से आप देख लें सबसे पहला तो है ये क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं इसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा ये फ्लैक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है देखिए जब भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फ्लैक्सीबिलिटीज आ जाता है जैसे कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो वो क्या है रिटन फॉर्म में जब वो वो रिटर्न फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो क्या है रिजिड है ओके okay, उसको जल्दी से हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लैक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन इसको चेंज किया जा सकता है इसके अलावा ये यूनिट्री है जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिट्री फॉर्म रखता है जो कंट्रोल है जैसे कि अभी हम देखेंगे इंडिया में तो इंडिया में क्या देख रहे हैं हम लोग ट्वेंटी एट स्टेट जो है इंडिया में एट प्रेजेंट ट्वेंटी एट स्टेट एंड एट यूनियन टेरीटरीज जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पावर डिवीज़न है ओके ट्वेंटी एट स्टेट में क्या किया गया है पावर को डिवाइडेड करके रखा गया है कि हाँ इसका पावर ये इसका पावर ये सेंटर का पावर ये है तो सेंटर का पावर अलग है और स्टेट के पावर स्टेट को भी पावर दिया गया है लेकिन ब्रिटिश वाला जो है ब्रिटिश के पास ही पावर है सेंटर में जो पावर है बस वही पावर है इस तरह यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है मतलब इसमें ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटिश के ब्रिटिश में जो अगर हम देखेंगे तो पावर जो है वो एक जगह है सेंटर में है स्टेट वाइज़ डिवाइड करके नहीं रखा गया है इसके अलावा फोर्थ में है बाई कैमरल लेजिसलेचर इसको वन बाई वन करके हम लोग और डीप में डिटेल में समझेंगे क्या है बाई कैमरल का मीनिंग ही पता मीनिंग आपको पता होगा क्या होता है बाई मतलब ही होता है दो मतलब यहाँ पे दो लेजिस्लेचर है हाउस है यस यहाँ पर हाउस है देखिए यहाँ पर क्यून भी है और हाउस भी है मैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आया है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो क्यून है और जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से मिलकर काम कर रहा है क्यून का क्या रोल हो सकता है वहाँ पर और पार्लियामेंट भी है तो क्यों ना पार्लियामेंट मिलकर कैसे काम कर रहा है क्या इम्पेक्ट होता होगा इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट सुप्रीम माना जा रहा है वहाँ पे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है वहाँ पे मोनार्की भी है मोनार्की का भी बात को भी देखा जाता है तो कैसे देखा जा रहा है क्यों देखा जा रहा है वो मैं आपको उस वीडियो में बताई इस वीडियो से भी आपका जो फीचर्स मैं बताऊँगी तो कुछ कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर दी जाऊँगी जो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स से रिलेटेड है आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन सा पॉइंट अभी हम लोग को पढ़ना है तो ये पॉइंट अभी हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहला जो है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन तो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है लीगल डिसीजन फंडामेंटल लॉज

दस okay, साल पहले जो सजा मिला तो आज भी जो करेगा वो क्राइम तो उसे उसको भी वही सजा मिलेगा मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है क्या है लॉ है वहाँ इट हैज नेवर बीन मेड एंड कोडिफाई इन द फॉर्म ऑफ बुक जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक बुक फॉर्म में बना दिया गया है ओके okay, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन बनाया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो ये रिटर्न फॉर्म में पूरा बुक बना हुआ है ओके फो फोर हंड्रेड फिफ्टी यहाँ पे आर्टिकल्स हैं तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि ये बुक फॉर्म में है लेकिन जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वॉडिफाइड फॉर्म में नहीं है उसे कभी भी जो है एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं लाया गया है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप ये सब पॉइंट डालेंगे तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा बल्कि आपको और ज्यादा मार्क्स मिलेगा क्योंकि यही सब मेन पॉइंट है नेक्स्ट आपका आ जा रहा है फ्लैक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्लैक्सीबल क्यों बोल रहे हैं फ्लैक्सीबल मतलब जिसे आसानी से चेंज किया जा सके ओके यहाँ पे बोल रहा है इट कैन बी एमेंड पार्शियली और होल्ली बाई द ऑर्डिनरी लॉ पास्ड बाई पार्लियामेंट मतलब के इसको पूरे तरीके से पार्शियली और होल्ली पूरे तरीके से हम क्या करेंगे ऑर्डिनरी लॉ पास बाई द ब्रिटिश जो भी लॉ पास होगा ब्रिटिश के पार्लियामेंट जो भी पास करेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं अमेंड कर सकते हैं आसानी से अमेंड कर सकते हैं ओके कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है दो जो आपका है बाई कैमरल बाई कैमरल जो है लेजिसलेचर तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में पास होगा वन थर्ड मेंबर पास करेंगे फिर इस तरीके से यहाँ पर पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर वगैरह लगता है तो क्या होता है बिल अमेंड होता है लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लैक्सीबल है ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा मेंबर्स के साइन वगैरह की जरूरत है यहाँ पर बोला गया है ये पार्सली और होली तौर पे क्या करेगा अपने जो ऑर्डिनरी लॉ वगैरह है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट आसानी से फ्लैक्सिबिलिटी है कि वो अमेंड कर सकता है अमेन मतलब उसमें चेंजेस ला सकता है चेंज कर सकता है थर्ड पॉइंट यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला है क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे मोनार्कीज है और साथ ही साथ पार्लियामेंट जो है वो पावर रखता है ओवरऑल ऑल अमेंडमेंट्स जितने भी लॉज एंड अमेंडमेंट्स है उसमें जो है पावर है किसका पास पावर है पार्लियामेंट्स के पास पावर है एंड क्यू उनके पास पावर है तो सेंट्रल बोल सकते हैं कि जो है वहां पर ही मेन पावर है तो इसलिए यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म बोल रहे हैं यूनिटरी है ये फेडरल फॉर्म में क्या होता है पावर जो होता है वो डिवीजन होता है जैसे कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है ओके okay, इंडिया में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है फेडरल भी है लेकिन फेडरल का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर पावर डिवाइडेड है कैसे डिवाइडेड ट्वेंटी स्टेट्स में डिवाइड करके रखा गया है ऐसा तो नहीं रहे कि अगर कोई स्टेट्स में चाह रहे हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे कि जो भी चाह रहे है वो कर ले अपना रूल एंड रेगुलेशन लागू कर दे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ के स्टेट्स की भी आपको परमिशन चाहिए जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्टेट्स का भी आपको परमिशन चाहिए तभी आप स्टेट्स पर कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कुछ कुछ फील्ड में सेंटर कर सकता है लेकिन बहुत सारे फील्ड्स में जो है उसको स्टेट का लेना पड़ेगा परमिशन तभी वो उस चीज़ को लागू करेगा ओके okay, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट यहाँ पर जो है इंडिया में ट्वेंटी एट स्टेट वहाँ पे क्या है पावर को डिवीज़न है जिसके वजह से हम इसको फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रिटेन में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी पावर है वो किंग जो मोनार्की है क्यून जो है उसके उसके पास है और जो पार्लियामेंट है उसके पास ही पावर है उनका जो मन चाहता है वो करते हैं वो किसी स्टेट्स वगैरह या कोई जो भी डिवीज़न ऑफ वहाँ का अगर किया गया, गया कंट्री का तो उससे वो लोग नहीं पूछते हैं आफ्टर डेट है बाई कैमरल लेजिसलेचर ये भी जो है फीचर्स ही है किसका ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये बाई कैमरल है यहाँ पर टू सेपरेट असम्बलीज हैं हु मस्ट बोथ एग्री वेन न्यू लॉज आर मेड ओके अगर दो टू जो असेंबलीज है यहाँ पर उसको क्या है एग्री होना होगा कोई भी मान लीजिए लॉ बन रहा है कोई भी लॉ बनाया जा रहा है तो लॉ में हम लोग क्या देखेंगे कोई भी लॉ अगर बन रहा है तो लॉ पास होना चाहिए किसके किसके हाथ पास होना चाहिए दोनों लॉ दोनों असेंबलीज के जरिए पास होना चाहिए दोनों असेंबली के मेंबर एग्री होने चाहिए इस तरीके से ये बाई क्रम लेज्लेचर माना जाता है जैसा कि आप जान सकते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड जो दो हाउस हैं ब्रिटिश के है। ब्रिटेन में यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हाउस हैं सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट किस तरीके से सुप्रीम है देखिए पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लीगल अथॉरिटी रखता है यूके में जो क्रिएट कर सकता है और एंड भी कर सकता है लॉ को मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो लॉ बना दे चाहे तो लॉ को हटा दे अब ये आप सोचेंगे पार्लियामेंट के पास कैसे पावर है तो क्यों उनके पास होना चाहिए असल में जो मनारकी सिस्टम वहाँ चल रहा है ब्रिटेन ब्रिटेन में अभी तक तो वो मनारकी सिस्टम बोल सकते हैं कि नाम का है पार्लियामेंट में जितने मेंबर आते हैं इस तरीके से यहाँ हम देखेंगे ना प्रेसिडेंट होते हैं और अदर जो हम लोग का बाई कैमरा लिस्टलेचर है लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ओके okay, इस तरीके से है हम लोगों का पार्लियामेंट तो जो प्रेसिडेंट है उस पोजीशन में समझ आइए क्या है वहाँ पे क्यों है और जो दो हाउसेस है वैसे ही वहाँ भी दो हाउस है वहाँ के जो हाउस के जो मेम्बर आते हैं तो वो इलेक्ट करके आते हैं वो हेरीडेटरी मैनर में नहीं होते हैं इलेक्ट करके आते हैं हेरीडेटरी मैनर में नहीं होते मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज उनके पापा अगर हैं ए, इसके मेंबर तो फिर कल जो है उनका बेटा हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बन जाएगा वैसा नहीं है कुछ परसेंटेज रखा गया है कि हैरिडेटरी मैनर में लाया जाएगा लेकिन हेरीडेटरी मैनर में जो लाया जाएगा जिसको उसको भी चेक किया जाएगा कि ये, ये क्वालिफिकेशन है या नहीं है ये बहुत डिटेल में हो जाएगा बस मैं आपको थोड़ा हल्का बता दे रही हूं इसके बारे में आइडिया दे दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाए नहीं तो ये वाला जो है आपका एक अलग ही टॉपिक चला जाएगा कि किस तरीके से वहाँ के जो मेंबर्स है वो इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर तो इस तरीके से देखेंगे दोनों ही हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ के इलेक्ट इलेक्टेड मेंबर होते हैं अगर हेरिडेटरी मैनर में भी कोई आ रहा है तो उसका उसमें फीचर्स देखा जाएगा ये सब फीचर्स है तभी उसको मेंबर बनाया जाता है लेकिन पूरा को पूरा हंड्रेड परसेंट नहीं बनता है नहीं कि हंड्रेड परसेंट मेम्बर यहाँ के जो है हेरीटेटरी मैनर में, में आएंगे कुछ परसेंटेज जो हेरीटेटरी मैनर में, में आते हैं और कुछ जो है वहाँ के इलेक्टेड जो होंगे वो इलेक्ट करके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है इसको हम लिमिटेड मोनार्की के नाम से भी जानते हैं ओके okay, यहाँ पर जो है ये मोनार्की जो होता है वन सेकेंड ये मोनार्की जो होगा यहाँ पे इन बिच मनार exercise their authority in accordance with the constitution and is not alone in making decision ओके okay, डिसीज़न बनाने में ये अकेला और यहाँ पर जैसे क्यून जो है वो अकेली नहीं होगी डिसीज़न बनाने में बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके साथ होगा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या है पार्लियामेंट वगैरह जो है दोनों जो हाउस है उन दोनों का ये बात इसको क्यून, क्यून को सुनना होगा क्यून अपने मन से पूरा का पूरा डिसीज़न नहीं ले सकती है देखिए पहले जो क्यून किंग एंड क्यून वाला सिस्टम था वो क्या था कि जो क्यून चाहेगी वही करेगी लेकिन क्यून जो है अभी वो नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट भी है और पार्लियामेंट का भी बात मानना होगा ये पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक वे में चलता है अब हम लोग समअप कर लेते हैं कि अभी हम लोग पढ़े क्या तो हम लोग फीचर्स पढ़े ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें सबसे पहले पर इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि रिटन है या अन है तो हम लोग को पता चला कि यस ये अनरिटन ही कहा जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा लिखा नहीं हुआ है एक जगह क्वालिफाइड नहीं किया गया एक बुक में बुक फॉर्मेट में नहीं लाया गया ओके okay. इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ें हम लोग पढ़े कि ये फ्लैक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब कि हम क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकते हैं आसानी से किसी भी लॉ को जो पार्लियामेंट है आसानी से अमेंड कर सकता है नेक्स्ट हम पॉइंट क्या पढ़ें यूनिट्री मतलब यहाँ पर जो पावर होगा वो क्या होगा एक पूरा एक के हाथ में होगा ओके okay, ये यह पावर यहाँ पे डिवीज़न नहीं होगा सीधा बात यूनिटरी फॉर्म में क्या है पावर डिवीज़न नहीं होगा जो मुनार्क है उसके पास होगा और पार्लियामेंट के पास पावर होगा नेक्स्ट हम लोग पढ़े बाई कैमरा लेजिस्शन मतलब यहाँ पे दो हाउसेस भी हैं ओके okay, दोनों हाउस जो है पास करेंगे तभी कोई बिल लॉ बनेगा या कोई बिल को रिजेक्ट भी दोनों हाउस मिलकर करेंगे सुपरमेसी और पार्लियामेंट भी है पार्लियामेंट के डिसीजन को ही फाइनल माना जाएगा ऐसा नहीं कि कुछ भी डिसीजन ले लिया जाएगा मोनार्क के जरिए तो उसको फाइनल माना जाएगा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट को ही फाइनल माना जाएगा देखिए अगर आप इंडिया का इंडियन जो पार्लियामेंट उसको समझ पा रहे हैं तो आप इसको भी आसानी से समझ पाएंगे इंडिया में जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा होता है और एक प्रेसिडेंट मिलकर बना हुआ होता है ओके लेजिस्लेचर जो होता है उसमें क्या क्या होता है लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं लोकसभा में कोई बिल गया फिर राज्यसभा में जाता है फिर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर करने के लिए जाता है और प्रेसिडेंट के पास जो है वो पावर है कि वो सिग्नेचर करे या रिजेक्ट करे फिफ्टीन डेज़ का डिलइंग पावर तो इस तरीके से उसके बाद वो बिल पास हो जाता है तो कोई खास पावर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट का नहीं देखें इसी तरीके से यहाँ पर जो होती हैं क्यून उनका भी इसी टाइप का पावर होता है तो यहाँ पर क्या है जो हाउस है बाई कैमरा लेजिस्चर जो है वो दोनों ही मिलकर जो लॉ है उसको पास करते हैं अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं समरी हम लोग जान चुके हैं फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जान चुके हैं बस यही है फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कि ये अनरिटन है ये लिखित नहीं है फ्लैक्सीबल है अगर आप चाहते हैं कि किसी लॉ को चेंज करना तो कर सकते हैं यहाँ का पावर जो है वो वन, है, वन हैंड में है ये बाई कैमरल लेजिसलेचर है और साथ ही साथ जो है यहाँ का पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशनल मनारकी यहाँ पाया जाता है मनारकी तो है लेकिन लिमिटेड मनारकी है यहाँ पर खुद का जो मन चाहेगा वो नहीं कर सकते खुद का जो रूल एंड रेगुलेशन चाहेगा लगाए अगर मन चाह रहा है कि ये रूल एंड रेगुलेशन तो वो नहीं कर सकते मान लीजिए कि कि चाह रहा है नहीं एजुकेशन नहीं देना चाहिए पिछरा जो है उसको ओ बी सी एस टी वगैरह को तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब तक पार्लियामेंट उस चीज का आपको राइट नहीं देगा तब तक आप नहीं कर सकते वैसे आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करें आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगर आपको कोई डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हैं साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह की